हिंदुस्तान की जेलों में बंदी सिंहों की रिहाई के लिए जो आदेश ज्ञानी हरप्रीत सिंह जथेदार श्री काल तख्त साहब ने किए हैं कि जिन सिंहों को 14 साल की सजा हुई थी लचर कानून व्यवस्था के कारण आज वो 26-26 साल से जेलों में बंद हैं और उनकी रिहाई में जो केंद्र सरकार है वो रोड़ा बनकर बैठी है। ये सरासर जुल्म है। जो कानून सजा मिली उसके बावजूद वो डबल सजा काट चुके हैं और सरकार ने एक दिन की परोल भी नहीं दी। जरा काल तख्त साहब देश किया कि पूरे विश्व में जहां भी गुरुद्वारे हैं उन गुरुद्वारे के बाहर इन बंदी सिंहों की फोटो, उनकी उम्र की सजा हुई है सजा, और साथ में ये होर्डिंग लगाए जाए ताकि पूरे लोगों को पता लग सके भी आजाद हिंदुस्तान में किस तरह सिखों को गुलामी का एहसास कराया जा रहा है और निर्दोष सिखों को इतने लंबे समय तक जेलों में बंद रखा जा रहा है। इसी हुक्मनामे के तहत गुरुद्वारा बाबा दीप सिंह शहीद में इस बात का आगाज किया, पूरे राजस्थान के गुरुद्वारों में बैनर लगेंगे ताकि लोगों को पता लगे कि केंद्र सरकार किस हद तक जाकर सिखों पर जुल्म कर रही है। एक तरफ राम रहीम जैसे लोग हैं जिनको दो दो उम्र की सजा हुई है, वो हर 6 महीने बाद उनको महीने की पैरोल मिल रही है, 2 महीने की पैरोल मिल रही है, वो वीडियो डाल रहे हैं और अपना पूरा काम कर रहे हैं, पर यहाँ किसी के घर में किसी कैदी सिख कैदी घर में मौत हो जाए, परिवार का कोई जी चला जाए तो भी 1 घंटे की पैरोल नहीं मिलती। सो इस बातों को मुख्य रखकर अकाल तख्त के देश पर आज हमने राजस्थान में यह आगाज किया और पूरे राजस्थान में गुरुद्वारों में इस तरह के फ्लैक्स लगाए जाएंगे ताकि लोगों को पता लगे, मानवतावादी सबसे प्यार करने वाले धर्मी लोगों को पता लगे कि ये सिखों से हिंदुस्तान में जुल्म हो रहा है। ABP सोचा जोश जज्बा जुनून।